हेलो दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, आपको किस काम में और किस बात में बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सोच के जवाब देना। किसी को बहुत सारा पैसा मिल जाए तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है, खुशी मिलती है। किसी को बहुत सारी प्रसिद्धि मिल जाए तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है, खुशी मिलती है। किसी को अच्छे दोस्त मिल जाए, किसी को अच्छे रिश्ते मिल जाए, सबकी अपनी अपनी पसंद है। सही माने में सुकून किसमें है, किस चीज में है, ये बात समझाने के लिए आज फिर से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सेठ साहब अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में उनको एक भिखारी दिखा जो मात्र एक गमछे में, एक लंगोट में फुटपाथ पे लेटा हुआ था, ठीक है। सेठ साहब को उस पर दया आ गई, ठीक है। सेठ साहब अब वो सो रहा था नींद में, भिखारी नींद में, गहरी नींद में सो रहा था। सेठ साहब उसके पास में गए कार रोकी और उसको आवाज लगाई, एक बार आवाज लगाई, दो बार आवाज लगाई। जब लगातार तीन चार बार आवाज लगाई तो भिखारी को उठना पड़ा या उसकी नींद खुली। उसने अंगड़ाई लेते हुए, आंखें मलते हुए पूछा कि सेठ क्यों उठाया मुझे। सेठ ने कहा कि यार इस दिन से लेटा हुआ है, कुछ काम धंधा कर। तो भिखारी ने पूछा क्या होगा काम धंधा करने से। बोला काम धंधा करेगा तो पैसे मिलेंगे, ठीक है, क्या होगा पैसा मिलने से। बोले पैसे मिलेंगे तो कुछ बड़ा काम करेगा वो पैसों से। बोला उससे क्या होगा। बोला बड़ा काम करेगा तो बहुत ज्यादा पैसे आएंगे। बोला उससे क्या होगा। बोला और बड़ा काम होगा, बहुत सारा पैसा आएगा। बोला उससे क्या हो जाएगा। बोला जब बहुत पैसा आ जाएगा तो तेरे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी। बोला फिर उससे क्या होगा। बोला जब इतना कुछ होगा, तेरा परिवार, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे सब खुश रहेंगे। बोला उससे क्या होगा। बोले जब इतना सब कुछ होगा, पैसा, गाड़ी, पत्नी खुश, बच्चे खुश, तो तू आराम से, शांति से, सुकून से सो पाएगा। तो बोला यार अभी क्या कर रहा था मैं, तेरे आने से पहले मैं शांति से सुकून से सोई तो रहा था, नींद तो तूने खराब की मेरी। तो दोस्तों कहानी का मतलब यह है कि सुकून और शांति पाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सारे हमारे मन के वहम हैं, हमारे मन के कह सकते हैं कि ख्याल हैं जो हमने पाल रखे हैं कि हमें ये मिलेगा तो सुकून मिलेगा, ये मिलेगा तो सुकून मिलेगा। अंदर की बात उल्टी है। अगर सुकून मिलेगा तो ये मिलेगा, अगर सुकून मिलेगा तो वो मिलेगा, सुकून मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। मुझे कई बच्चे मिलते हैं जो आते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे सेंटर पे लाइफ प्लस एक क्लब चलता है जिसमें हम बात करते हैं लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के बारे में, बेटर लाइफ के बारे में। तो वो हमें कहते हैं कि सर अगर ये मिल जाए तो खुश हो जाए, वो मिल जाए तो खुश हो जाए। और मैं कहता हूं कि अगर खुश हो जाएंगे तो ये मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे तो वो मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, सुख शांति से जिएंगे, बिना तनाव के जिएंगे, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये होता है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि अगर आपको खुश रहना आ गया, अगर आपको शांति से जीना आ गया, तो आपके अंदर एक अद्भुत खिंचाव आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे इंप्रेस होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। और जब वो आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, तो डेफिनेटली उनके जरिए आपका हर काम बनता चला जाएगा, सॉल्व होता चला जाएगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो ये है कि आप दुनिया भर के तनाव मत पालिए, दुनिया भर के तरीके मत अपनाइए अपने आप को खुश करने के लिए। अपने आप को खुश करने के लिए सबसे आसान तरीका है
कुछ भी पाने की, कुछ भी करने की, कुछ भी लालसा ये छोड़ दीजिए, बस शांति की ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। जो मेरे पास है वो सही है, जो मैं हूँ वो सही है, जो मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी एबिलिटी है, मेरे गुण हैं, मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, बस वही सब कुछ है। अपने आप से संतुष्ट होना सीख लो, औरों को देखकर जलना छोड़ दो, औरों से ईर्ष्या जलन द्वेष भावना रखना छोड़ दो, उनसे कंपेयर करना छोड़ दो। जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है। जिस दिन ये सोच लिया उस दिन सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी, और जिस दिन सुकून और शांति आ गई उस दिन दुनिया की हर खुशी आपके चरणों में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।